नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज बहुत दिनों के बाद मैं अकेले आई हूँ आपके सामने। कुछ विषयों पे बात करना है, जो विषय हमारे सामने कश्मीर फाइल्स के वजह से हो। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, सिर्फ मूवी नहीं है, वो सच्चाई को पहली बार हमारे सामने लेके आ रहा है। पहली बार नहीं, पहले भी कुछ मूवीज बने हैं जो सच्चाई पे आधारित है, मगर ये जो मूवी है इसने हम लोगों को पूरा अंदर से झकझोर दिया। 1990 में मैं आपको कहती हूँ, जब ये सब हुआ था ना, मैं अपने जिंदगी में खुश थी, मुझे फुर्सत नहीं था, मुझे इच्छा भी नहीं थी। ये देखा, अच्छा ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने जो भी कहानियां गढ़ी थी, हमने वो कहानियों पे यकीन कर लिया, मान लिया कि वो सच है, कुछ तो हुआ वहां पे, मगर अंदर तक, गहराई तक नहीं गए हम। खबरें मिली कि ऐसे ऐसे अत्याचार हुआ, तो उसको भी सुना अनसुना कर दिया हमने। हमको लगा ठीक है ना, हुआ है, बुरा हुआ है, होना नहीं चाहिए था, मगर हम लोगों का वो जो एटीट्यूड है ना, मेरा क्या, मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, तो इसके वजह से ध्यान ही नहीं दिया। मेरे खुद के कश्मीरी फ्रेंड्स है, जब वो लोग भी बोलते थे तो उतने देर के लिए बुरा लगता था एंड फिर हम अपने रास्ते चल देते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग हैं ना, स्वार्थी हो गए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अपने से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। आप हमारे देश में देखिए, जो आप अगर हमारे देश के इतिहास को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में हमारा देश बहुत महान था, हमारे देश में ऊंचे आदर्श थे, हमारे देश में वैज्ञानिक फ्रेम ऑफ माइंड था, लोग विज्ञान पे चर्चा करते थे। ये साधु संत, जो हम लोग साधु महर्षि ऋषि महर्षि, इन लोगों के गुरुकुल के बारे में, क्या था ये गुरुकुल? आप जाइए अलग अलग जो हिस्टोरियंस है उनसे पूछिए, तो आपको पता चलेगा ये गुरुकुल यूनिवर्सिटीज थे, जहां पे पढ़ाई होती थी, ज्ञान की चर्चा होती थी, रिसर्च होता था। उस वक्त हर किसी के मन में एक आदर्श था, आदर्शवादी हुआ करता था हमारा देश, हर चीज में निपुण होते थे लोग। पर उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में आक्रांताकारी आए, और उनके साथ क्या आया, अज्ञानता आया, उनके साथ क्या आया, लालच आया, उनके साथ क्या हुआ, वो लोग आके क्या उन्होंने हमारे देश को अपना लिया, सच में हमारे देश को, हमको, हमारे रीति रिवाज को, हमारे धर्म को अपनाया? अगर वैसा होता तो फिर इतना ज्यादा तलवार के नोक पे क्यों धर्म परिवर्तन कराया, क्यों इतने लोगों को मारा? आपको पता है, हमारे हम लोग बोलते हैं कि मध्यकाली युग में भारत अज्ञानता में डूब गया था। क्यों डूब गया था, किसी ने सोचा? कोई रिसर्च करता है इसके बारे में? कोई मतलब अपने घर में भी बैठ के कोई चर्चा करता है क्या इसके बारे में? अज्ञानता में इसलिए डूबा क्योंकि जो हमारे शासक थे ना, उनको कोई लेना देना नहीं था, नालंदा की यूनिवर्सिटी को जला दिया। जो ज्ञान को हमको कहा जाता है हिस्ट्री में कि ये लोग बहुत ज्ञान के के व्हाट डू यू से दे लव्ड नॉलेज, दे वर वेरी एनलाइटेंड पीपल। सीरियसली, अगर एनलाइटेंड पीपल होते थे तो क्या वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला देते थे? क्या वो मतलब जबरदस्ती लोगों को परिवर्तित करते थे, लूट खचोट करते थे? अफगानिस्तान में एक जगह है जहां पे बोला जाता है, मीनार है, वहां पे लिखा हुआ है, दो दो दिनार में यहाँ पे भारत की नारियों को, बच्चों को बेचा गया। ये सारी चीजों से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पर्दा सिस्टम, हमारे जो पूर्वज है उन्होंने पर्दा सिस्टम किया, नारियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया, घर के अंदर रख दिया प्रोटेक्शन के लिए, हमारे बहुत सारी रीति रिवाज में चेंज किया अपने सुरक्षा के लिए।
उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों को भी कोई हमारे हमारे बेटरमेंट का अंग्रेजों को भी कोई ये नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई लालसा नहीं था। उन लोगों ने हमारे इतिहास को बदल दिया। हमारे धीरे 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 ऐसे चीजें बोलने लगे कि हमारे अंदर एक हीन भावना आ गया। हम लोगों को लगने लगा कि हाँ हम अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने इतिहास भूल गए थे। हमको आजकल क्या पढ़ाया जाता है? मुगल बहुत ग्रेट थे, अकबर ग्रेट थे। सी अकबर ग्रेट थे, इतने ग्रेट थे कि उनके काल में कत्लेआम हुआ करता था, मेवाड़ में हुआ था, जौहर हुआ था। और अगर आप सच्ची इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके टाइम में भी धर्म परिवर्तन कराया जाता था। नारी हमारे हमारे घरों की नारियां सुरक्षित नहीं थी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है लोकमान्य, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। उन्होंने कहा था कि आप अपने पूर्वजों पे गर्व कीजिए तो आपके अंदर आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आएगा। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म किया। उसके बाद आजादी मिली हमको। हमको आजादी मिलने के बाद तो ये होना था ना कि जो इतिहास को बदल दिया गया था, जो इतिहास में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमसे हमें झूठ एक तरफ का ये दिखाया गया, जो लोग आक्रमणकारी थे उन लोगों को महान बताया गया, उसको खत्म करना था, नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने सत्ता हासिल किया उन लोगों को ये पता था कि अगर हमने अपने देश के लोगों को एक होने दिया, पढ़ाई लिखाई करने दिया तो वो आ, तो उन लोगों को क्या किया, एक नहीं होने दिया। हम लोगों को जाति में धर्म में बांट के रखा। अब आजादी के बाद, हम लोगों का स्वतंत्रता के बाद इतने दंगे क्यों हुए? नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा, गलत। हम भी बोलते हैं वो गलत है। किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हम बिना किसी मारपीट किए, बंदूक उठाए, हम अपनी कहा हम अपनी बात कह सकते हैं, मगर नहीं। नाथुराम गोडसे के ने एक गलत काम किया। उसके बाद जो शासक थे ना, उन्होंने क्या किया, पुणे में ब्राह्मण्स जो थे उन लोगों का कत्लेआम हुआ। इंदिरा गांधी के साथ एक दुखद घटना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सिखों के साथ कत्लेआम हुआ। बोलते हैं कि भाई ये राइट्स था। राइट्स मतलब मालूम पता क्या होता है? राइट्स का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जाति के लोग या धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और उसमें लोगों का मौत होता है, चीजों का नुकसान होता है, घर जला दिए जाते हैं, आगजनी होती है, लूट मार होता है, ये इसको राइट्स बोलते हैं। सिखों में क्या हुआ, कांग्रेस के कहने पे उनके जो समर्थक थे उन लोगों ने सिखों को पकड़ पकड़ के मार दिया। दिल्ली में कितने लोगों को मारा, मेरी बात पे यकीन नहीं आती, गूगल कर लीजिए। ब्राह्मणों को जो मारा तो वो भी वन साइडेड था। तो वन साइडेड जो होता है ना, जैसे कश्मीर में भी हुआ, वन साइडेड था। ये सारी चीजें क्या होता है, इसको जेनोसाइड बोला जाता है, जो मूवी में बताया है। अब सवाल आता है कि इतना नफरत स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इतनी नफरत क्यों है? देखिए, मेरे भी पूर्वज जो थे ना, मेरे फादर के फूफा जी को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था पार्टीशन के वजह से। जब पार्टीशन के लिए रायट्स हो रही थी उस टाइम में वो भी मारे गए। तो हमारे मन में जिन लोगों ने हम लोगों के परिवार वालों को मारा, जिन लोगों ने हमारे परिवार हमारे प्रॉपर्टी को छीन लिया, ये सारा चीज ये सारी बातें की, तो उन लोगों के लिए हमारे दिलों में प्यार तो नहीं होने वाला है। सिंपल फैक्ट है, ट्रूथ है, एक अविश्वास है। और ये अविश्वास को खत्म करने के जगह पे हमारे जो राजनेता थे उस टाइम के, उन लोगों ने उसको बढ़ाया। उन लोगों ने देखा है कि अब हम लोगों को इलेक्शंस जीतना है, हम लोगों को राज करना है। हमने राजपाट खत्म कर दिया, मगर हमारी परिवार की राज चलनी चाहिए, हमारे ही परिवार से लोगों को गद्दी में बैठने को मिले, वही प्रधानमंत्री बने, वही देश को कंट्रोल करे। कैसे करेंगे? उनकी जो एक
ग्रुप थी जो लोग इंग्लिश पढ़े लिखे, अंग्रेजों अंग्रेजी बोलने लिखने वाले, उन लोगों को काम दिया गया कि आप इतिहास में जो हमारे देश के अच्छी बातें हैं उसको मत पढ़ाओ, बच्चों को स्कूल तक मत पढ़ाओ। वो हिटलर को बोलते हैं ना कि हिटलर ने अपने किताबों में ब्रेन वॉशिंग की थी, हमारे देश में भी ब्रेन वॉशिंग हुई है, और इसीलिए हमारे हमें राणा प्रताप नहीं पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं, हार्डली एक पैराग्राफ कोई एक तो भी क्लास में आ जाएगा। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज सेम। राणा संगा, हेमू, कितने हैं, चोलास, पांड्यास, राजा राजा चोला, अनगिनत, पुलकेसिन, हर्षवर्धन, अशोका, किसके बारे में पढ़ाया जाता है? नहीं, हमको मुगल डायनेस्टी, हमको सुल्तान जो आए थे आक्रमणकारी, उनके बारे में, और उनको बड़ा महान दिखाया जाता है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर उन लोगों को हमारे देश का हर बात अच्छा लगता था, और उन्होंने जैसे हमको पढ़ाया जाता है कि उन्होंने अपना अपना लिया था, तो फिर कत्लेआम क्यों किया, तो फिर धर्म परिवर्तन करने में मजबूर क्यों किया, ये सवाल आज हम लोग उठा रहे हैं। और ये जो सवाल है, और जो हम लोगों का कोशिश है कि सच्ची इतिहास सामने आए, ये कोशिश से वो लोग डर गए जिन लोगों का सिंहासन डोल गया। 2014 में जब मोदी जी जीत के आए तो उन्होंने हम लोगों को सर उठा के चलने को सिखाया, और हम चलने लगे। और एक बात मैं बता रही हूँ, ये जो इतना नफरत है, ये नफरत कहाँ से आता है? जो नेता थे ना, ये लोग, इन लोगों को लगा कि अगर लोग पढ़ लिख जाए, आज उनको तकलीफ इसी बात का है ना कि हम लोग पढ़ लिख गए और उनको सवाल पूछते हैं, हम उनको काउंटर करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि तुमने जो बोला है वो झूठ है। आज कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल्स को ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि सच तो लोगों ने मान लिया, सच लोगों ने देख लिया, सच लोगों को पता है। और सच लोग जब वो लोग आके बोल रहे नहीं नहीं वो झूठ है, फारूक अब्दुल्ला ने तो रिजाइन कर दिया था, एक दिन में हुआ था कश्मीर में इतनी प्रॉब्लम्स, एक दिन में हुआ था, वो तो एक दिन पहले रिजाइन किए थे, तब तक तो वो थे ना, भाग गए, सारा षड्यंत्र रच के भाग गए, सब कुछ पता था, अपने आप को बचाने के लिए भाग गए। एनीवे, वो अलग कहानी है। मगर मुझे ये बताइए कि क्यों इतना ये, मतलब एक टीवी चैनल पे भी कहा गया था, एक बहुत बड़ी पत्रकार है, उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडित जो है वो शोषण करते थे, कैसे? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनके पास सारा जॉब था। एक बात बता रही हूँ, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हो, आप साइंटिफिक पढ़ाई नहीं करते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो एजुकेशन की जरूरत है वो नहीं करते, वो आपकी गलती है। आप अगर धर्म, मतलब वो क्या बोलते हैं, यू गो इन टू रिलीजियस फैनेटिज्म एंड आप बोलोगे कि नहीं हम ये पढ़ेंगे नहीं, हम ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हम तो अपने धर्म के हिसाब से ही पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो आप अपना भविष्य खत्म कर रहे हो, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो। आप देखिए, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, जो पढ़ लिख जाता है उसको अच्छी नौकरी मिलती है, या वो अच्छा काम करता है, उसका लाइफ सुधर जाता है, उसका फैमिली छोटा रहता है, और उसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। हमारे भी फ्रेंड्स हैं, हमारे भी रिलेटिव्स हैं, कोई बहुत रईस है, कोई मिडिल क्लास है, कोई एवरेज है। तो क्या जो मिडिल क्लास और एवरेज है वो लोग जाके रईस लोगों को गोली मार देते हैं? नहीं ना। और हम लोग आज आज मेरे यहाँ पे जो हेल्प करने भी आती है, उसने भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है, वो बच्चे भी आज घर घर में जाके काम नहीं करते, वो अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। मगर जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आप लोगों को जानबूझ के फ्रस्ट्रेट करने के लिए क्या किया नेताओं ने, धर्म गुरुओं को लगा दिया कि आपके आपका ब्रेन वॉशिंग किया जाए, ग्रेजुअली सालों साल तक आपका ब्रेन वॉशिंग होता रहा, और उसके वजह से आपको लगने लगा कि नहीं भाई, हमारा हम इन्हीं को मानेंगे, और आपके अंदर कट्टरपंथी कूट कूट के भर दिया, और कट्टरपंथी सोच आया तो आप लोगों को ये लगा नहीं भाई, हम अपने हिसाब से चलेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं किया आप लोगों ने, आपके घर में फैमिली मेंबर्स भी ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा है, बूढ़े भी ज्यादा है, तो क्या हुआ, आप
पढ़े लिखे नहीं हो तो मिनियल जॉब्स करते हो, जब आप घर में आते हो तो आपको क्या लगेगा, शांति। मैं नौकरी करके आती थी तो मुझे लगता था एक कप कॉफी लेके बैठू, आधा घंटा शांत बैठी रहू, ताकि दिमाग में जो भी था दिन भर का वो खत्म हो जाए और मैं शांत हो जाऊं। मगर आप घर में आने के बाद, आपको घर में खाने के लिए खाना कम पड़ रहा, कपड़े नहीं है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपके घर वाले आप लोगों आपको कोस रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। और ये जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो कुछ गिने चुने लोग इसका फायदा उठाते, वो आके आपको थोड़ा सा सहानुभूति दिखाते, एंड आपको वो कहा जाता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, आप उनको बहुत अच्छा मानते हो, उनकी बात मानने लगते हो। आपको ये नहीं पता है कि ये एक सिस्टम है जिसमें आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और आप सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हो जिसको खेल के, जिसको दाव पे लगा के ये अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और वही हुआ, इतने सालों तक यही हुआ, जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों के अंदर जहर घोला गया है, बोला गया है तुम देखो ये जो ब्राह्मण्स है ना, ये तुम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये नहीं बोला गया है कि भाई ब्राह्मण्स पढ़े पढ़े लिखे हैं, या ठाकुर पढ़े लिखे हैं, या अपर कास्ट के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए इन लोगों को जॉब मिलता है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो भाई तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा, पढ़ो अपनी कंडीशन इंप्रूव करो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात बार बार बोला था, किसी से लड़के झगड़ के कुछ नहीं होगा, अपने आप का अपने आप को इम्प्रूव करो। कैसे करोगे, पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ लिख गए तो तुमको अच्छा जॉब्स मिलेगा, अच्छा जॉब्स मिला तुम्हारा सोच विकसित होगा और तुम्हारी जिंदगी बेटर हो जाएगी। मगर नेताओं ने ये नहीं किया, अनपढ़ गवार रखा लोगों को, गरीब रखा लोगों को, क्योंकि उसी में उनका फायदा था। एक कहती हूँ मायावती, जो आप गूगल पे जाके देख लीजिए या आप यूट्यूब पे देख लीजिए, उनकी भाषण में उन्होंने कहा था लोग मुझे देवी मानते हैं, लोग उनको देवी मानते हैं, उसका उन्होंने क्या किया लोगों के लिए, कुछ मूर्तियां बनाई, लोगों को बोला कि भाई मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ गई हूँ, आप लोग भी पढ़ो लिखो, सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो अपनी जिंदगी इंप्रूव कर सके। फैसिलिटीज दी गरीबों को, अब दलितों को, दलितों दलित मुझे देवी मानते हैं तो उनके लिए कुछ किया, नहीं, मायावती मल्टी करोड़पति बन गई है, गरीब तो गरीब ही रहे। इस बार मायावती को वोट्स नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, क्योंकि लोगों को समझ में आने लग गया है कि ये बोलती तो है, वे हमारी नेता है, ये खुद तो इतनी रईस बन गई है, हम तो आज भी वही है, हम आज भी अनपढ़ है, हम आज भी गरीब है, आज भी हमारी जिंदगी सुधरी नहीं है। अब अगर कश्मीरी पंडित और जो जिहादी फंडामेंटलिस्ट, उनका अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे भी ना कहीं ना कहीं, क्योंकि कश्मीरी पंडित बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए क्या हुआ, जलन, कि ये लोग हमसे बेटर है। अरे अगर आपसे कोई बेटर है तो आप देखो ना भाई, किस बात के लिए, कैसे वो आपके और उनमें डिफरेंस क्या है, कहीं ना कहीं हार्डवर्क का डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई का डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं आपने अपनी दिमाग कैसे इस्तेमाल किया उसका डिफरेंस होता है। अगर उसकी जगह पे हम बोलेंगे अरे वो हमसे बेटर है, चलो उसको हम बर्बाद कर देते, उसको बर्बाद करने से आप अच्छे नहीं हो जाते, आप जानवर की श्रेणी में आ जाते हो। और वही हुआ और आज भी हो रहा है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को ठीक नहीं कर रहे हैं, संवार नहीं रहे हैं, पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग, आपको बार बार आपके मन में डाला जा रहा है कि वो तुमसे बेटर है, वो तुमसे बेटर है, देखो उन्होंने तुम्हारा हक छीन लिया। कोई किसी का हक नहीं छीनता है, पढ़ लिख जाइए आप भी बेटर हो जाएंगे। मगर हमारे देश में ये इतने सालों तक हुआ क्योंकि राजनेताओं को पता था कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो हमारी खट खड़ी कर देंगे, जो आज हो रहा है। एसएम प्लेटफॉर्म्स, आप ट्विटर देख लीजिए, आप कू देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, या कोई भी एसएम प्लेटफॉर्म देख लीजिए, जब ये राजनेता आके बातें करते हैं तो उनके सामने 100-200 लोग खड़े हो जाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं, उनको गलत प्रूफ किया जाता है। ये जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स में जो न्यूज दिखाते हैं ये झूठ के पुलिंदा है,
इन लोगों को हर रोज मुक्की खानी पड़ रही है, इन लोगों को, राजनेताओं को भी एकदम उनकी गलतियां उनको पॉइंट आउट करके लोग बोल रहे हैं कि तुमने ये गलती की है, तुमसे ये हुआ है, तुम हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किए हो, तुम हमारे दुश्मन हो, ये बोला जा रहा है बार बार, इनको चैलेंज किया जा रहा है, इनके हर झूठ को सामने लाया जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, इतना अपना राजगद्दी चली गई है, हम इलेक्शंस नहीं जीत रहे हैं तो मोदी को हेट करो, जो हमारे हमारे सत्ता सत्ता जिन लोगों ने छीन लिया है, उन लोगों को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, झूठ फैलाएंगे, आंदोलन खड़े करेंगे, हम लोगों की आजादी खतरे में है। खतरे में किसी की आजादी नहीं है, सिंहासन डोल गई है, और इसके वजह से सीएए में गलत झूठ फैलाया जाता है, लोगों को भड़काया जाता है। भड़कते कौन है, जो अज्ञानी होते हैं, जो पढ़ा लिखा है, जो जो अपना सब कुछ जिसको मालूम होता है, वो ये सब बातों पे रिएक्ट नहीं करता, उसको पता है बकवास है। किसान आंदोलन के नाम से इतना 13 महीने तक बखेड़ा हुआ, कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, और बोला क्या, गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के वजह से डेथ हुआ, क्यों, गवर्नमेंट ने तो किसी पे लाठी चार्ज भी नहीं किया, गोली भी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया, मगर दोष किसको दिया गया, गवर्नमेंट को दिया, चलो वो भी मान लिया। तो फिर वो जो नेता थे ना, वो नेता जीते क्यों नहीं इलेक्शंस, जमानत क्यों जब्त हो गई, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हो, मुंह के बल गिरे हैं, मतलब लोगों का साथ नहीं था। और वो जो किसान वहां पे आके बैठे हुए थे ना, कुछ तो आए, कुछ को लाया गया, कुछ के ऊपर कितना दबाव था भगवान जाने। अड़तिया जो है, ये हमारे यहाँ पे आरतीयों वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, आरतीयों का प्रॉब्लम वहां है, उन लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उन लोगों से लोन लेते हैं, उन लोगों के ऊपर आरतीया जो बोलते हैं वो करने का दबाव रहता है। किस मजबूरी में लोग वहां पे बैठे हुए थे, अगर वो उनके साथ थे तो हर किसान नेता जो खड़े हुए थे, चाहे वो राजेवाल हो, चाहे वो टिकेत के सपोर्टेड लोग हो, तो वो लोगों को तो इलेक्शन जीतना चाहिए था, नहीं जीते ना, हार गए ना। तो ये जो है ना, ये हमारी ताकत है, ये ज्ञान की ताकत है, जब लोगों को सब मालूम पड़ जाता है, और तब लोगों को बड़गलाया नहीं जा सकता। और इसके वजह से अब बोला जा रहा है कि एसएम प्लेटफॉर्म को आप लोग बैन कर दो, और उसके बाद इतना सारा धींगा ने, इतना सारा दंगे, इतने सारे लोगों को भड़काने की कोशिश की। आप मुझे एक बात बताइए, दंगे होते हैं कुछ ही स्टेट में, उत्तर प्रदेश में पहले दंगे बहुत होते थे, अब क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां पे जो सीएम है वो नहीं, वो कड़क है, उन्होंने लोगों को संदेश दे दिया है, दंगे करोगे तो जेल जाओगे, दंगे करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और जहां पे सीएम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां पे दंगे होते हैं। आप सोचिए, मैं आज खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोल रही हूं, आप सोचिए, हम लोग आगे ना बढ़े, देश आगे ना बढ़े, इससे फायदा किसको होने वाला था, वही ना जिनके लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में पड़े हुए, जिन्होंने अपने महल बना लिए, आज वो भारत नहीं है, भारत बदल गया है, आज भारत बदल गया है। और ये आप इन लोगों को जीतने मत दीजिए, फिर से गलत नहीं होना चाहिए हमारे देश में। इतना ही कह के आज का खत्म कर रही हूं मैं। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, छोटी सी चैनल है, आप ही लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ने वाली है। नमस्कार।